इस जंगल में सभी जेब्रा खेल रहे थे और खुशी खुशी रहते थे, क्योंकि बाकी खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ कांटों के दीवार बना लिए थे, इसलिए वहाँ के सभी जेब्रा हंसते खेलते रहा करते थे। लेकिन वहाँ की सरदार की पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। उस झुंड के सभी जेब्रा उसे देखने जाते हैं और जब बच्चा सबके सामने आता है तो सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान रहता है और आधे शरीर पर नहीं, और ये सारे जेब्रा के लिए अपशगुन माना जाता है। और सभी जेब्रा अपने सरदार से कहते हैं कि आपका बेटा इस झुंड के लिए पनौती है और कहते हैं इसकी वजह से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा। अगर यह बाहर जाएंगे तो खतरनाक जानवर इनका शिकार कर सकते हैं। और यह सब सुनकर सरदार का बेटा काफी उदास हो जाता है और इसके माता पिता उसे समझाते हुए कहते हैं कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पानी खत्म हो जाता है। और आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो आप बस एक लाइक कर दीजिए, हम समझ जाएंगे।